क्या हो गया बेटा? आपको दिखाई नहीं देता, साइड विजन में बहुत, साइड में मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता, जिस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ उस पॉइंट पे मुझे दिखाई देगा। तब किसी आदमी का चेहरा देखते हो, वो चेहरा अकेला दिखता है, बाकी उसके आसपास कुछ नहीं दिखता। हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ भी आगे बढ़ाता तो वो भी मैं नहीं देख पाता, अगर मेरा मेरी नज़र चेहरे की तरफ है तो। कब से हो रहा है ये? करीब 10 साल हो गए। तो एकदम ऐसा हो गया? नहीं, धीरे धीरे करके हुआ। ये शुरुआत आपको कब से हो गई थी? लगभग 16 साल से लगभग। रात में कम दिखने लग गया जी हाँ। है ना, फिर धीरे धीरे साइड की नज़र भी कम होती गई जी। देखें आज आपको क्या दिख रहा है दूर में, कोई अक्षर दिखाई पड़ता है? नहीं, अक्षर नहीं दिख रहा है। देखो मात्र 5 मीटर से नहीं दिखाई देती है, अब आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तीसरे के बाद मुझे सब पढ़ लूंगा। लेटर दिख रहा है क्या है ये? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ये रंगीन अक्षर आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, नहीं दिखता, साइड में नहीं दिखता और रंग भी आपको पहचान में नहीं आते हैं। ठीक, आपने इसके इलाज के लिए कहाँ कहाँ दिखाया? चेन्नई पे दिखा चुका, भोपाल पे दिखा चुके थे, जबलपुर पे दिखा चुके थे, अभी फरीदाबाद से आयुर्वेदिक दवाई लेके गए थे, जीवा आयुर्वेद से। हाँ, तो उसका भी कुछ भी असर नहीं हुआ आज तक। आपको जहाँ भी दिखाया वहाँ से कोई फर्क नहीं महसूस नहीं हुआ? नहीं। ऋषभ जैन के पास कैसे आए? मेरा छोटा भाई इंटरनेट पे शायद देखा था। तो छोटे भाई को फायदा हुआ आपके? उसको फायदा तो हुआ है, और साइड विजन में और कलर विजन में भी। जी हाँ जी हाँ, कलर विजन वगैरह में उसको काफी कुछ काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है। जी हाँ, चलिए देखते हैं आपको क्या फर्क आता है। तो आशा से आप आए हैं, हम उस आशा को पूरी करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। भी कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो सिर्फ इतने एरिया में आपको दिखता है, तो इसको कहते हैं फील्ड ऑफ विजन। तो ये समझ में आ गया कि आपकी रोशनी एक पाइप में से देख रहे हैं ऐसी है, है ना। जिंदगी में जो आपको परेशानी आ रही है कि आप जिसको देखते हैं वही दिखता है, जो पॉइंट देखते हैं वो पॉइंट दिखता है, उसके आसपास का कुछ भी नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है, है ना। तो इट्स अ प्रॉब्लम दैट कांट बी क्योर्ड इफ यू डोंट हैव। आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है, OLEF। आपकी 5 मीटर से नजर 24 मीटर हो गई है, दोनों आंखों से। बधाई हो आप। जो मनुष्य अपने बच्चों को मेहनत करने की आदत डाल देते हैं। आप पहले से ज्यादा साफ देखने लग गए? जी हाँ। एक लाइन से 4 लाइन पे आप पहुंच गए, पास में भी आपको काफी कुछ साफ दिखने लग गया। जी हाँ। है ना। देखते हैं आपको रंग कितने दिखते थे? 7 है। 96। 12 प्लेटें करीब दिखने शुरू हो गई है। जी हाँ। ठीक है जी। तो अब आता है कि आप कलर ब्लाइंडनेस को भी हरा देंगे जिस तरह आपके भाई ने हराया? जी हाँ सर। की रोशनी भी बढ़ना शुरू हुई है, आपको रंग भी दिखना शुरू हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे आने के बाद सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं आँखों से संबंधित। इन दोनों बीमारी के कारण आपकी जिंदगी किस तरह से कट रही थी? बहुत बुरे तरीके से कट रही थी। पिछले 10 साल से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ इन्हीं सब सारी प्रॉब्लम्स के चलते। रास्ता दिखाई दे रहा है तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आपकी जिंदगी आपके कमरे में सीमित हो गई थी, आपके यार दोस्तों से आप मिल नहीं पा रहे थे, पढ़ाई वगैरह आपकी छूट गई होगी? जी हाँ, छूट गई थी पढ़ाई। मतलब पूरा करियर इन बीमारियों के कारण खत्म हो गया था और आप अपने आप को परिवार के ऊपर बोझ समझने लग गए थे। जी हाँ सर, ये तो है। आप जोश के साथ कहिए कि कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो सकता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ठीक हो सकता है। मैं भी ठीक हुआ हूँ, और तो कोई भी व्यक्ति इन बीमारियों से पीड़ित उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय डॉक्टर ऋषभ जैन के पास आएगा, ठीक जरूर होगा। बधाई हो आपको। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास एक हॉस्पिटल है, जैन नेत्र चिकित्सालय।